नामिन भी दर खिया अल्लाह ने खुद खयाली नमाज़ विच भी नाले अज़ाना विच भी नाले रब अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज की मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोगों से मैंने शेयर अच्छा जी आप लोगों से शेयर करना मैं भूल गया, क्योंकि उस टाइम वो वीज़े की टेंशन में सारा कुछ लगा रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा तो काफ़ी टाइम से निकला हुआ है, तो आप लोगों से शेयर करना मैं भूल गया, क्योंकि उस टाइम यूट्यूब की तरफ मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था। अभी फुल टाइम यूट्यूब को देना है, इसकी तरफ ध्यान करना है, क्योंकि इतने टाइम से भाग भाग यहाँ तक पहुँचाऊँगा, अभी इसको छोड़ दिया तो फ़ायदा कोई नहीं इतने टाइम भागने का। अभी ये है कि आज फाइनल हो जाएगा कि टिकट कब होगी, और आज वो बता देंगे टिकट कब करवानी है। तो उसके बाद ये है कि हम लोगों से ये भी वादा करना था कि मेरी वैसे ये एक आदत है कि और जब भी मैं वीडियो डालता हूँ उसके थोड़ी देर के बाद जाके YT स्टूडियो खोलो, चेक करो कितने व्यूज़ आए हैं, CTR रेट कितना हुआ है। अभी व्यूज़ रुक गए हैं, अभी CTR रेट नीचे गिर रहा है, अभी सब्सक्राइबर 2-3 बढ़ गए हैं, अभी 1-2 कम हो गया, उसकी टेंशन लेना। आज के बाद सारी टेंशन ख़त्म करनी है, क्योंकि YT स्टूडियो को खोलना ही नहीं है। आज के बाद YT स्टूडियो को नहीं खोलना, चेक ही नहीं करना 1 महीने तक। उसके बाद मैं आप लोगों से शेयर करूंगा यार कि कितने मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, डेली वीडियो डालने का कितना मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि डेली वीडियो डालने से इसमें फ़ायदा है। वैसे इसमें कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पर काम करने का, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप मतलब कि हाँ जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं ना, वो अगर हफ्ते के बाद भी डालें उनका चल जाता है। जो स्टार्टिंग वाले यूट्यूबर हैं ना, अगर वो डेली वीडियो नहीं डालेंगे तो उनकी वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डेली वीडियो डालने से इंप्रेशन बढ़ते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो इंप्रेशन अभी काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, पहले बहुत कम थे अभी ठीक हो रहे हैं। लेकिन अभी ये चीज़ चेक करना, इम्प्रेशन चेक करने हैं ना, CTR रेट चेक करने हैं ना, व्यूज़ चेक करने हैं ना, और सब्सक्राइबर देखने हैं। हाँ YT स्टूडियो में जाके सेटिंग तो ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि वीडियो की सेटिंग उधर ही होती है, जाके सेटिंग तो ज़रूर करनी है, लेकिन ना व्यूज़ की तरफ देखना है और ना ही सब्सक्राइबर की तरफ देखना है। ये आप लोगों से वादा है, हाँ गलती से कोई नज़र चलेगी तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं देखना। अभी उस चीज़ को चेक नहीं करना मैंने आज के बाद। और अगर आज टिकट की फाइनल होती है तो इंशाल्लाह आपके साथ वो भी शेयर करते हैं, और ये भी बताऊंगा कि कौन से मुल्क में मैं जा रहा हूँ, कब जा रहा हूँ और कौन से काम में जा रहा हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए आज तो मेरे पास उस तरह की वीडियो हैं, मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं आज जो है ना वो मेमोरी कार्ड में कहाँ मैंने रखा हुआ है मैं भूल गया हूँ। मेमोरी कार्ड में सारी वीडियो मेरी पड़ी हैं, जो जो सारी मतलब बनी है सिर्फ अपलोड करनी है, वो वीडियो काफ़ी मेरी पड़ी हुई है। अभी मेमोरी कार्ड नहीं मिल रहा, उसमें मेरी वीडियो हैं, इसमें भी स्पेयर मैंने 2-3 वीडियो रखनी हुई डेली की डेली। मैंने बोला था कि मैं 2 वीडियो डेली की डाला करूँगा, लेकिन अब मैं नहीं डाल पा रहा, क्योंकि अभी इधर आज मैंने दफ्तर जाना है, फिर जाके वहाँ उनसे बात करनी है, जो कुछ भी कॉल उनकी आएगी, जाके टिकट का फाइनल करना है, कब करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कुछ होगा। तो इंशाल्लाह जो भी अपडेट होगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। दुआओं में याद रखिएगा, और नए आने वाले बंदों के लिए यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं देखने ही न बढ़ेगी क्योंकि जब खुद बढ़ते जाएंगे फिर टेंशन नहीं रहेगी, फिर चेक नहीं करेंगे, 1-2 कम भी हो जाए तो मसला नहीं है। लिहाजा आज आप लोगों से वादा है कि YT स्टूडियो आज के बाद निकलना फिक्स 1 महीने के बाद, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना,
सब्सक्राइब करना, अंगूठा दबा देना। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।